आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। विलुप्त हो रही है गांव से भरसाई की परंपरा, लेकिन आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है भरसाई का अस्तित्व। बता दें कि जैसे ही धान की फसल कट के घरों में आती है, सामने खिचड़ी का पर्व आ जाता है। लोग बहन बेटी और बहू के यहाँ खिचड़ी में लाई दाना चूड़ा भिजवाने के लिए भरसाई का सहारा लेते हैं, जहाँ लाई चना मटर परमल की भुजाई और चूड़ा की कुटाई होती है। इसके बाद लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों और परिजनों के घर लाई दाना का तोहफा भेजते हैं। यह सारा काम गांव की महिलाएं ही करती हैं। किंतु जब से बाजार में ठेले पर दाना भुजा बेचने की परंपरा आई और मार्केट गांव-गांव में चूरा कूटने की मशीन लग गई, तब से गांव से भरसाई की परंपरा विलुप्त तो होने लगी। इसके बाद आज भी यह कहीं कहीं परंपराएं जिंदा हैं। इसी कड़ी में आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज ब्लॉक के हिन्नई गुल्लीगढ़ गांव में आज भी यह एक महिला 5 किलोमीटर दूर से चलकर अपने 12 बच्चों का पेट भरने के लिए भरसाई के सारे घर चलाने के लिए चलाकपुर गांव से चलकर हिन्नई गुल्लीगढ़ गांव में दाना भूजने आती है। उस महिला से पूछा गया तो बताया कि सरकार की तरफ से उसे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, न ही आवास और न ही कोई अन्य सुविधा मिली है। न्यूज 9 भारत के लिए मोहम्मद आसिफ और शिखा रावत के साथ रोशन लाल की खास रिपोर्ट। तमाम मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के रगड़ी तहसील के हिन्नई गुल्लीगढ़ गांव में, जहां हमारे सामने एक नई चीज विलुप्त होती हुई परंपराओं में भरसाई, जिसे दाना भूज के लोग पहले खाया करते थे, नजर आई है। आइए हम जानना चाहते हैं इनकी संचालिका से कि ये किस तरह से इसको संचालित करती हैं, कैसे चलाती हैं। कहाँ नाम पड़ी तुहार? संगीता। संगीता जी, घर कहाँ है आपका? चलाकपुर। तो चलाकपुर इतना दूर से ए गाँव में का करा बोलू? अरे भाई, अपन गरीबी है, यहाँ आके का कर लू? भरसाई। भरसाई से कितना दाना भुजा जात हुई? मकान उकान हो घर में? गांव में मकान ना हो? प्रधान जी ना दे मकान उकान? आवास ना मिलल है? फार्म कोनो भराय? कितना लड़का हम? 10 लड़का। पढ़ल ना लोग? हाँ पढ़ा। सबसे बड़ा लड़का? अब सात गो लड़की। सबसे बड़ी लड़कियाँ? हाँ। शादी वगैरह क्यों भैली है? जैसा कि आपने देखा, इतनी विकट समस्या इनके पास है। अपने 10 बच्चों का पेट भरने के लिए ये लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलकर आती हैं। भरसाई के सहारे लोगों का दाना भूजती हैं, जिसके सहारे इनके परिवार का पेट भर रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके पास सरकारी योजनाओं का कोई लाभ मिल पाया नहीं है। अब उसमें चाहे ग्राम प्रधान की निष्क्रियता हो, चाहे कोई भी वजह हो सकती है। न्यूज 9 भारत के लिए अपने सहयोगी शिखा रावत के साथ रोशन लाल। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।